लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बीडे स्पेशल कोलन। 5 साल तक रोमित राज ने बनाए थे भाभी जी से संबंध। टीवी शो शकालका बूम बूम से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रोमित राज आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी को बता दें कि रोमित टीवी के कई शोज में काम कर चुके हैं, जैसे घर की लक्ष्मी बेटियां, हातिम, माइका, हर दिल कुछ कहता है, गेस्ट हाउस, बेटियां अपनी या पराया धन, मात पिता के चरणों में स्वर्ग, थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है, अदालत, चलती का नाम गाड़ी, लेट अस गो। रोमित कभी टीवी की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री भाभी जी उर्फ शिल्पा शिंदे के साथ शादी करने वाले थे। दोनों के अफेयर के किस्से दूर दूर तक मशहूर हुए थे, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। एक समय था जब शिल्पा और रोमित एक दूजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूजे के प्यार में डूबे थे, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। रोमित और शिल्पा ने एक दूजे को करीब 5 साल तक डेट किया और उसके बाद शादी करने का फैसला लिया। शादी की डेट फिक्स हुई और शादी के कार्ड्स भी छप गए, लेकिन शिल्पा ने शादी तोड़ दी और रोमित को छोड़ दिया। अब रोमित शादीशुदा है और उनकी पत्नी का नाम टीना राज है और उनका एक लड़का भी है। शिल्पा की बात की जाए तो वे है सिंगल है। रोमित और शिल्पा के रिश्ते के टूटने की सच्चाई तब सामने आई जब शिल्पा टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 11 में गई और उनकी मां ने खुलकर इस बारे में बात की। शिल्पा की मां ने बताया कि रोमित से शादी होने के 2 दिन पहले शिल्पा ने इस वजह से शादी तोड़ दी क्योंकि रोमित के विचार उनसे मिलनते नहीं थे और दोनों के परिवार वालों के विचार भी नहीं मिलते थे। एक बार रोमित ने शिल्पा के परिवार वालों की बेइज्जती भी की थी, जो शिल्पा से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। खैर, अब रोमित शादीशुदा हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं।